नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। महारो राजस्थान का वक्त हुआ है, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। विधानसभा चुनावों की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले यानी वोटिंग से पहले कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कौन से 3 नेता हैं, बताते हैं एक करके आपको। जयपुर के पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। साथ ही तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चंदनमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी आज बीजेपी से जुड़ गए हैं। तो बीजेपी में नेताओं के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और चूंकि विधानसभा चुनाव आने हैं और लगातार माहौल चुनावों का बना हुआ है, इसी को लेकर लगातार कांग्रेस के 3 सीनियर नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब जाहिर तौर पर इनकी उम्मीदें क्या होंगी या इनसे क्या वादा किया होगा, ये तो आपस में बीजेपी और ये शामिल हुए नेता ही जानते होंगे। लेकिन जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो चुकी। और इनके अलावा तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चंदनमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया बीजेपी में शामिल हुए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी आज बीजेपी से जुड़ गए। ये तब होता है जब लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति होता है, और कहीं अविश्वास की भावना होती है तो वो वहां स्थान छोड़कर उपयुक्त स्थान पर उचित नेतृत्व के साथ जाते हैं। जिन लोगों ने कल देखा था, कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ। ईडी के विरुद्ध में जिस प्रकार पहली बार हलचल देख रहे हैं, उस समय हलचल नहीं जब कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तार मिले, जब डीपी जारोली जी ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, ये कसूर ऊपर बैठे लोगों का है, जब बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे नामजद किया गया था, मैंने 1,75,00,000 रुपये रिश्वत दी, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं। ईडी जिस प्रकार नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, जब उसका पर्दाफाश कर रहे हैं तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस संकल्प के साथ, हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की केवल विजय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है, और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार, जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अपशब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा, अब जा करके सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है, हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाए उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊं, और मैं इसी विश्वास के साथ कि अभी भी मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊं। कांग्रेस छोड़ने का आपको महापौर ने बनाया सब? देखिए, कांग्रेस में लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से काम करते हैं, समर्पण भाव से काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा होती है, कहीं कहीं तो अपमान भी सहन करना पड़ता है। और ऐसे में जो केवल व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नेता, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और फिर लगातार ये देखने में आता है कि इतना कमजोर नेतृत्व जो सामने सब कुछ गलत होते हुए देखता है लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में काम करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो गया था। और इसीलिए मैंने ये चुना कि मैं एक ऐसी नेतृत्व वाली पार्टी जो कि अपने इतनी मजबूत नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनसे कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई होती है, और देश को कैसे हम विश्व में एक सबसे सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत कर सके, उस सोच और उस विजन के साथ काम किया जाता है, इसी भावना के साथ मैंने।